द पंजाब स्टेट इंडियन स्टेट हैज़ स्टार्टड द डॉल्फिन सेंसिस तो सबसे पहली बात है डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है प्लानिस्टा गेंगेटिका माइनर एंड दिस इज़ अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ द आई यू सी एन दो हज़ार उन्नीस में जिनको नहीं पता है पंजाब ने डिकलेयर कर दिया था एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन को और उन्होंने इसका सेंसिस स्टार्ट किया है वहीं गॉन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ आई एम ई ओ ये क्या है इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी एमिशंस का मतलब हिंदी में होता है उत्सर्जन ऑब्जर्वेशन का मतलब मॉनिटर करना तो इंटरनेशनली हम मीथेन को क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे उसका मॉनिटरिंग देखेंगे ये कहाँ पे हेल्ड हुआ जी ट्वेंटी सबमिट वॉट इज जी ट्वेंटी वर्ल्ड्स टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें कि इंडिया भी है वो उनकी एक समिट हुई थी और वहाँ पर यह बात हुई तो आई एम ई यू विल मोनिटर द मीथेन एमिशन थ्रू सेटेलाइट ये किससे होगा सेटेलाइट से होगा ऑब्जर्वेटरी विल प्रोड्यूस अ ग्लोबल तो ये एक ग्लोबल डेटा देगा जिसे रिसर्चर्स यूज़ कर सकते हैं और नेशंस भी यूज़ कर सकते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट द न्यूजीलैंड एनुअल बर्ड तो न्यूज़ीलैंड में एक एनुअल बर्ड डिक्लेयर की गई है इससे क्या होता है अगर एनुअल बर्ड या स्टेट बर्ड करते हैं द कंज़र्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल और बर्ड और फ्लोरल फोनल एनी स्पीशीज़ बिकम्स असेंशियल उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एंड सरप्राइजिंगली आप ये न्यूज़ देखेंगे अ बैट इज़ द सरप्राइज़ विनर ऑफ़ द न्यूज़ीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट कैसे हुआ था इसमें पोलिंग हुई थी लोगों को जन्मत दिया गया था और उनको चूज़ करना था सो so, इसका नाम क्या है यहाँ पर आप देखेंगे पेका पेका टो रोआ एंड इट दिस इज़ अ लॉन्ग टेल्ड क्या है ये ये एक बैट है एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो इसका कंजर्वेशन और अच्छे से हो पाएगा ग्रीन एक्शन फोर्स वॉट वॉट इज दिस दिस इज़ बाई द केरला गवर्नमेंट केरला जो इंडियन स्टेट है उसने किया है हरिथा कर्म सेना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन एक्शन फोर्स ये करे क्या इट वुड कलेक्ट एंड सेग्रीगेट वेस्ट फ्रॉम द सिटी तो ये छोटी सी एक टास्क फोर्स है ये छोटे छोटे डिवीजनस हैं जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ग्रीन एक्शन फोर्स के कई डिविजन्स हैं ईच यूनिट एक यूनिट में कितने हैं टू हंड्रेड हाउसेज़ हैं और जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सब इसके इट सेल्फ मेम्बर्स हैं सो द प्रोसेस वुड बी वेरी डिलाइटली भी वेरी फास्ट और बहुत ही अच्छे से काम यहाँ पर होगा टॉक्सिक फोम इन यमुना अ वेरी वेरी बिग एम्बेरसमेंट फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल फोरम वॉर दिस यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग पूजा कर रहे हैं छठ पूजा छठ पूजा थी और छठ पूजा के दिन विच इज़ अ नॉर्थ जो नॉर्थ के हमारे स्टेट्स हैं डिक्लेयर अ फेस्टिवल नौ छठ पूजा और यहाँ पे टॉक्सिक फोम यमुना में था उसके बावजूद लोग वहाँ पर पूजा कर रहे थे सो so, आपको जानना है मेन चीज़ किस वजह से हुआ फॉस्फेट और सरफेक्टेंट्स की वजह से हुआ ये कहाँ से क्योंकि अनट्रीटेड जो सीवेज है वो डायरेक्ट वहाँ पर यमुना में आ गया जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल और इसमें क्या होता है 99 परसेंट तो एयर और वाटर होता है सिर्फ 1 परसेंट ही क्या था ये जो भी हमारा टॉक्सिकेंट था ये था उसके बावजूद ये ऐसा हुआ सो डेली इज़ नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल द एडजॉइनिंग स्टेट्स आर ऑलसो रिस्पॉन्सिबल सो दिस इज़ द स्ट्रेच ऑफ यमुना यमुना आपको दिखाने की कोशिश की है दिस इज़ न्यू डेली एंड दिस इज़ आगरा सो फ्रॉम अ लिटिल प्रिसाइजली मैं आपको बता रहा हूँ ये जो डेली का एरिया है विच स्टार्ट फ्राम वज़ीराबाद टू ओखला एंड दिस स्ट्रैच इज़ अबाउट ट्वेंटी टू किलोमीटर्स तो ये जो बाईस किलोमीटर्स का स्ट्रेच है बताया जाता है एट्टी परसेंट ऑफ द यमुना इज़ बिंग पॉल्यूटेड इन दिस रेन और दिस रीजन एंड दिस लाइज सोली इन डेली तो इसीलिए लिए डेली को जिम्मेदार किया जा रहा है यहाँ पर और ओखला में अगर आपको मैं बताऊँ तो वहाँ पर जो बॉर्डर पे वो पड़ता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कॉप ट्वेंटी सेवन कॉप ट्वेंटी सिक्स हेल्ड इन क्लास को बहुत फेमस था बहुत न्यूज़ में था लेकिन कॉप ट्वेंटी सेवन विच वुड बी हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वुड बी इन इजिप्ट ये है इजिप्ट इजिप्ट कहाँ पर अगर आप पाकिस्तान देखें दिस इज़ पाकिस्तान ईरान इराक़ यानी ये कुछ यहाँ पर पड़ गया एशिया में और जो 2023 में होगा वो होगा कॉप ट्वेंटी एट एट यू ए यूनाटेड अरब एमीरेट्स यू ए कहाँ पर है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँ दिस इज़ अू ए वेरी डीप फ्रेंड ऑफ इंडिया रिवाइवल ऑफ थेम्ज़ रिवर वी ऑलवेज कंपेयर गैंगज़ और द गंगा रिवर विद द थेम्स रिवर थेम्स रिवर वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकल डेड इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन इसका बहुत अच्छा रिवाइवल किया गया है इट इज़ इन यूनाइटेड किंगडम लंडन में ब्रिटेन में है आप कह सकते हैं एंड अभी हमने बात बात की कि इसका रिवाइवल हुआ है तो वहाँ पे एक सर्वे किया गया बाय द जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन और उन्होंने क्या पाया है कि जो 346 किलोमीटर का जो पूरा रिवर का जो स्ट्रेच है उसमें अब शार्क्स भी मिल रही हैं तो ये शार्क्स के टाइप हैं स्मोथ हॉन्ड द टोब एंड स्पर डॉग ये तीनों शार्क्स के टाइप हैं सो so, वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग एनी सच शार्क डॉल्फिन दे आर ऑलवेज फाउंड इन अ क्लीन वाटर ये बहुत बड़े चीज़ है सो इट इज़ बिंग सेट थीम्स रिवर इज़ वेरी वेरी क्लीन फ्राम इट्स ओल्ड एज तो गंगा को भी हम ऐसे ही करना चाहते हैं लेट्स सी वॉट हैपन्स इन इंडिया अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई कैसर ए हिंद इसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर टेनोपैल्पस एम्पेरियलिस और ये क्या कहलाती है ये कहलाती है एम्प्रर ऑफ इंडिया कैसा रे हिंद उर्दू शब्द है और ये आप देख सकते हैं यह है बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए लानीना इवेंट बिगिन ला नीना अल नीनो वी हैव अ डेडिकेटेड वीडियो को टू आर एन्वायरमेंटल साइंस प्ले लिस्ट यू विड फाउंड दैट तो ला नीना जो है इट इज़ नोन एज अ लिटिल गर्ल स्पेनिश वर्ड और वेदर ब्यूरो ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस इज ऑस्ट्रेलिया उन्होंने डिक्लेयर किया है उन्होंने बताया है कि लानीना अब शुरू हो चुका है सो इट इज़ फाउंड कंजीक्यूटिव यानी कि दूसरे साल एंड दिस इज़ अ वेदर इवेंट और अ वेदर पैटर्न इन पैसिफिक ओशन डिटेल क्या है ये इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे इट हैज़ बीन ऑलरेडी टेल और टोल्ड इन आर प्रीवियस वीडियो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव और सर्वे 4320 सिटीज़ वर कवर्ड 28 दिन चला था इसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं यानी कि वो फोटोज दे लेते हैं कैप्चर्स कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट तो जो राष्ट्रपति हैं भारत के कोविंद जी उन्होंने इस अवार्ड्स को डिक्लेयर किया और उन्होंने अवार्ड्स दिए भी सो हु इज़ बीन गिवन इंदौर इज़ द क्लीननेस सिटी फॉर द फिफ्थ कन्जिक्यूटिव ईयर हु गिव दिस अवार्ड्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड एंड अर्बन अफेयर छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपको यहीं से देखना होगा और जो सबसे साफ स्टेट है वो है छत्तीसगढ़ इसके अलावा भी इसमें बहुत से अवार्ड हैं बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिवली थैंक यू वी न्यूड योर फीडबैक सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक इट थैंक यू एन एवर नाइस डे